जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ उन्हें ही आपकी कामयाबी की कीमत पता है, बाकी सब तो यही कहेंगे किस्मत अच्छी थी। तो दोस्तों मेरा नाम है दिव्या और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्नोमाइज इंडिया। सो गाइस यहाँ पे है कोलैबोरेशन विद ऋतिक जी के साथ एंड यहाँ पे देखते हैं कि सवाल क्या पूछते हैं हमसे, कहीं हम फंस ना जाए। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करें तो मेरा नाम है दिव्या गंडोत्रा, पूरा नाम, ऐसे लोग मुझे ऑफिशियली दिव्या टंडन के नाम से जानते हैं जो कि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा एक टेक यूट्यूब चैनल है जो 25,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुका है एंड आगे की उम्मीद है कि ज़्यादा जल्दी 1,50,000 ऐसे हो जाए। तो बस इतना है मेरे यूट्यूब चैनल में, मतलब उसमें आपको यूट्यूब के मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ मिल जाएंगी, इंस्टाग्राम के टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, लैपटॉप्स की अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग मिल जाएगी, उनके रिव्यूज मिलेंगे और उनके ऑनेस्ट रिव्यूज मिलेंगे, कुछ गेम्स के बारे में पता चलेगा, कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं एक फ़ोन एक लैपटॉप के अंदर वो सब आपको मिल जाएगा, कैसे डेवलपमेंट करते हैं एक प्रोग्राम वगैरह वो सब अभी मैं सीरीज निकालने वाली हूँ। तो बस इतना सा है मेरे चैनल के बारे में। अगर बात करें तो मेरे बारे में तो मैं जम्मू की रहने वाली हूँ, जम्मू कश्मीर की, एंड अभी मैं नोएडा में रहती हूँ, डिप्लोमा कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। काफ़ी सारे लोग सवाल पूछेंगे कि 11th 12th क्यों नहीं वगैरह वगैरह, तो उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस अबाउट 3 साल हो चुके हैं मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए। जो ये वाला टेक टीवी वाला चैनल है वो मैंने कुछ 2 साल पहले ही बनाया था एंड जो मेरा दूसरा चैनल था 3 से 4 साल हो चुके हैं मेरे को। मैंने लास्ट मेरे को जितना याद है कि मैंने 2015 का लास्ट से शुरू किया था बनाना। तो मैंने जो मेरा पहला चैनल था टेक्निकल दिव्या उसको मैंने चेंज करके दिव्या गंडोत्रा डाल दिया, उसमें थोड़े छोटे छोटे वाइंस डालती हूँ कभी कभी अगर जब टाइम मिल जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को 4 साल हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली वीडियो बनाते हुए। देखो भाई अगर टाइम की बात करें तो एक यूट्यूब वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है एंड अगर एक नॉर्मल वीडियो को बनाने में अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं शूट करने में एडिटिंग करने के लिए। अगर स्क्रीन वीडियो की बात करें तो वो तो आधे घंटे का काम है। अगर मतलब मैंने कुछ ठान रखी हो कि हाँ ये वीडियो अच्छी होनी चाहिए, 1-2 वीडियोज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाई हैं बट उसमें ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए थे तो उस पर मेरे अबाउट 4-5 घंटे लग गए थे। थोड़ी स्लो हूँ मैं एडिटिंग में, ऐसे लग जाता है टाइम। और अगर एक नॉर्मल बंदे का भी देखें तो उसको भी 2-3 घंटे तो लग ही जाते होंगे। मैं ज़्यादातर मतलब प्रेफर करती हूँ फ़ोन से एडिटिंग करना, तो मेरे लिए तो फ़ोन के लिए बेस्ट है काइन मास्टर, उसका जो प्रो वर्जन होता है मोड वर्जन काइन मास्टर। अगर मेरे को कभी लगे कि आज लैपटॉप से करते हैं तो लैपटॉप में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना फ़ोन में आता है, तो लैपटॉप से करने के लिए फिर मैं यूज़ करती हूँ फिल्मोरा। कभी कभी यूज़ करती हूँ, मैंने इतना मेरे को फिल्मोरा इतना अच्छा नहीं लगा जितना मेरे को काइन मास्टर लगा। देखो जो YouTube पे काम कर उस सबका एक सपना है जो कि मेरा भी एक तरह का सपना है। मेरा मेन मोटिव है YouTube पे वीडियो बनाने का कि मैं लोगों से कनेक्ट हो सकूं। मुझे ना मतलब शुरू से फेम चाहिए था, मैंने काफ़ी लोगों को देखा YouTube पे, खासकर मैं इंस्पायर हुई, मैं क्या नाम था उनका एंडी गुजर नाम से एक YouTube चैनल था तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर हुई, उनका बताया था कि वो यंगेस्ट हैं तो मुझे भी कुछ ऐसा मतलब चाहिए था एक टैगलाइन कि लोग मुझे जाने। तो बस वही चाल रख के मैं यहाँ तक आई, 25,000 सब्सक्राइबर्स किए, कई गालियाँ खाई, कई मतलब मोटिवेशन मिली मेरे को, मतलब सब कुछ होता रहता है, मिक्सचर है एक लाइफ तो एक मिक्सचर है, तो काफ़ी कुछ सुनना पड़ेगा, काफ़ी कुछ सहना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। मेरा मेन मोटिव यही है कि मुझे लोगों से कनेक्ट होना है, कुछ भी करके मुझे कनेक्ट होना है, पैसे वगैरह की इतनी टेंशन नहीं है, कनेक्ट होना है बस। I need to connect with everyone. तो मेरे फेवरेट यूट्यूबर की बात करें तो फेवरेट यूट्यूबर्स तो इतने हैं नहीं, मतलब पहला मतलब अगर रोस्टी में करें तो कैरी मिनाटी, अगर वाइंस में करें तो आशीष चंचलानी और बीबी की वाइंस, और अगर टेक में करें तो मार्क्वी ब्राउनी, एंड अगर अगर और कौन से होंगे, अगर जो भी मतलब जो जो मैं जो जो लिस्ट जो है ट्रेंडिंग में आती है उन सबकी मतलब ऑलमोस्ट मैं वीडियोस देखती हूँ एंड मुझे सबका काम बहुत अच्छा लगता है। मतलब फेवरेट यूट्यूबर ऐसे बोलना सही नहीं होगा क्योंकि सबकी एक अलग चॉइस होती है, मे बी आपको बहुत अच्छा ना लगे जो मैं बोलूँ, तो बस इतना ही।
गैजेट्स तो मेरे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि मतलब मेरे को ऐसे शौक शौक करना पसंद नहीं है मेरे को, मतलब सिंपल सी चीजें पसंद है। एक मेरे पास ट्राइपॉड पड़ा हुआ है जो कि ज्यादा इंचीज का नहीं है, मतलब छोटा सा है, इतना इतनी हाइट का होगा। और एक मेरे पास फोन है मेरा खुद का जो मैं यूज करती हूँ पर्सनल फोन, वो मैं रिकॉर्डिंग करे यूज करती हूँ। माइक था मेरे पास बट वो अभी वर्क नहीं कर रहा, बोया का माइक था बट वो वर्क नहीं कर रहा। एंड बस इतना सा मेरे पास सामान है एंड बस वही मैं यूज करती हूँ अभी। गैजेट्स की बात करें तो मुझे शुरू से ही DSLR चाहिए था, मतलब मेरे को DSLR अपना खुद का चाहिए था। ऐसे मिल तो जाते हैं अपने रिलेटिव्स के वगैरह वगैरह, बट मुझे खुद का चाहिए था जो अपनी इनकम से हो। एंड बात करें तो मुझे हॉवरबोर्ड चाहिए, रियली यार आई एम मैड फॉर इट। मुझे कहीं भी मतलब मॉल वगैरह में जो हॉवरबोर्ड मिलता है मैं वहां पे जरूर ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है हॉवरबोर्ड। आपका चैनल तो मुझे मतलब काफी अच्छा लगा, काफी पूरा मतलब कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ऋतिक जी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं कई वीडियो देखती हूँ जो चीज मुझे नहीं पता होती है, मैं सोचती हूँ कि किसी की वीडियो देखती हूँ मैं, समझती हूँ क्या है। और कभी कभी मैंने शायद आपकी कॉपी भी की है, ट्राई करती हूँ बट होता नहीं है। जैसे कि मैंने शुरू में बता दिया था यूट्यूबर बनने के लिए, मतलब मैंने काफी सारे लोगों की वीडियोस देखी थी, मोटिवेशनल वीडियोस देखी थी। मैं शुरू से मेरे में इतना टैलेंट नहीं था जो मतलब मैं लोगों को दिखा सकूं। मैं सब मुझसे पूछते थे तेरे अंदर का टैलेंट क्या है, और मैं सोचती रहती थी मैं क्या करूं। एंड मुझे शुरू से ही स्टेज फियर काफी ज्यादा था, मतलब मैं स्टेज पे जाते ही मतलब डर नहीं लगता थी कि पता नहीं क्या है ये। तो मतलब मैंने यूट्यूब पे जब से वीडियोस बनाने शुरू किए मतलब स्टेज फियर तो ऐसे ही लग रहा है। एंड लोगों से बात करते हुए भी मैं बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं हूँ जो मैं पहले करती थी। एंड टैलेंट जो बात करें तो मेरे को एंकरिंग बहुत अच्छे से आ गई है। एंड मैं होस्ट अच्छे से कर लेती हूँ, मतलब कोई शो वगैरह हो जैसे स्नैपट्यूब का आपने देखा था तो वो मैं स्टार्टिंग था तो मैंने कर लेती थी। एंड अभी भी मैं मतलब मेरे को कहीं बोलना हो, कोई स्पीच कुछ भी देनी हो, मेरे को कुछ भी बोलना हो तो मैं आराम से कर लेती हूँ, इतना प्रॉब्लम नहीं होता जो पहले होता था। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेक्नोमाइंड को भी सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैनल पे यहीं पे, बट होंगे कोई और ऋतिक जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।